हेलो, गिन्नी और बिटकॉइन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप किटन्स रखते हैं ना, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप किटन पालना चाहते हैं या फिर उन्हें रखना चाहते हैं, तो उनकी सबसे पहले खाना और उनकी साफ़ सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उनकी क्लीनिंग। देखिए, अगर आप किटन रखना चाहते हैं ना, तो आपको उनकी डेली क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं आप? बेबी वाइप्स ले सकते हैं, क्योंकि आप उनको नहला नहीं सकते हो। 3 महीने जब वो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी हैं जैसे किटन के, तो आप उनको 3 महीने तक नहीं नहला सकते हैं। आप जब उनको नहलाएंगे, तो आफ्टर 3 मंथ के बाद ही आप उनको नहला सकते हैं। उसके बाद में शुरू होती है उनकी क्लीनिंग। उससे पहले आपको वाइप से क्लीन कर सकते हैं, आप बेबीज़ को वाइप से क्लीन कर सकते हैं। वाइप्स मार्केट में आते हैं, किटन्स के वाइप भी आते हैं, वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका खाना, मार्केट में बहुत तरीके के खाने अवेलेबल हैं, बट आप कुछ खानों पर ही विश्वास कर सकते हैं। कुछ खाने खाकर ना आपकी किटन बीमार भी हो जाती हैं, कुछ का पेट खराब हो जाता है, कुछ खाती नहीं है, इस तरीके के भी खाने आते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाएं। जैसे आप नंबर एक पे है एनएनडी, रॉयल कैनिन, म्याओ एंड ड्रूज, इस तरीके के खाने आप उनको खिला सकते हो। लेकिन आप अगर इनको भी नहीं खिला पा रहे हैं, तो सिर्फ आप म्याओ का खाना खिला सकते हैं। म्याओ बेस्ट है, ओके। और रॉयल कैनिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो रॉयल कैनिन सबसे ज़्यादा बेस्ट खाना है, क्योंकि आपकी किटन ना बहुत हेल्दी रहेगी अगर वो रॉयल कैनिन खाएगी तो। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इनकी क्लीनिंग कैसे होती है। डेली आपको इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो ये इनको इन्फेक्शन हो सकता है। इनको इन्फेक्शन हुआ तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है, ओके। ह्यूमंस में बहुत जल्दी होता है वो इन्फेक्शन, किटन्स को एक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो गंदगी की वजह से होता है जब आपकी किचन की क्लीनिंग नहीं होती है। अभी जैसे मानसून आ रहा है, इस वक्त में ये फंगस बहुत ज़्यादा होता है, ये वाला इन्फेक्शन रिंग वर्म का। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी किचन का ध्यान रखना है, कान साफ़ करने हैं। एक और चीज़ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जब आप इनके कान साफ़ करें ना, तो कान साफ़ करने की जितनी भी गंदगी है, वो इनकी बॉडी पे ना गिरे। कान साफ़ करें कॉटन से, या फिर वाइप ले सकते हैं, थोड़ा सा ईयरबड की सहायता से भी कर सकते हैं, बस इनको लगे ना। करना क्या है आपको, कान में जितने भी गंद, कान इनके बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसलिए आपको 1 दिन या 2 दिन के गैप में आपको इनके ईयर क्लीन करने हैं। मैंने बता दिया है किस किस से आपको क्लीन कर सकते हो। अगर आपकी किटन को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको क्या करना है, मार्केट में ना लिक्विड बीटाडीन आता है, लिक्विड बीटाडीन को डाइल्यूट कर लें आप। उसके बाद में कॉटन की सहायता से आपको इनकी बॉडी उसी से क्लीन करनी है, बस आँख वाँख में ना जाए, आँखों को छोड़ करके आप अच्छे से इनको क्लीन करें, बट ज़्यादा मात्रा में उसमें लिक्विड बीटाडीन आपको नहीं मिलाना है। आपको लिक्विड बीटाडीन की फ्यू ड्रॉप्स लेनी है, उसको आपको डाइल्यूट करना है वाटर में, देन अप्लाई करना है इनकी बॉडी पर। वाइप से कर सकते हैं, किसी भी कॉटन से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ओके। तो इस तरीके से आप अपनी किटन को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जब भी लगे कि इसको इन्फेक्शन हो गया है, किटन्स को इन्फेक्शन हो गया है, तो मार्केट में आप लिक्विड बीटाडीन खरीद लें, या फिर पहले से ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनकी केयर कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से। ईयर आपको डेली साफ करने हैं, और इनके हाथ पैर और ऑल ओवर बॉडी आपको वाइप से क्लीन करनी होती है। आप मार्केट से वाइप खरीद सकते हैं, बहुत वाइप आते हैं किटन्स के। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं इनका रख रखाव कैसे होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, आप इनको कहीं पर भी रख सकते हो। गर्मी में ये नहीं रह सकती हैं, ऑल टाइम या तो ये एसी में रह सकते हैं। ये किटन जो पर्शियन किटन होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, एसी में रह सकते हैं।
और ये जहाँ पर आप रहते हैं ना वहाँ पर ये आराम से रह सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये लोग प्यार करने लगेंगी अगर आप किचन पालते हैं तो। गंदगी बिल्कुल नहीं करती हैं। मार्केट में इनकी सेंड आती है, आपको एक टब खरीदना है और उस सेंड को टब में रख दीजिए। ये उसी टब में टॉयलेट और पॉटी दोनों चीज़ें करेंगी। उसको ढक कर के आएंगी बार बार, जब भी जितनी बार जाएंगी उतनी बार ये ढक कर के आएंगी। अपने हाथ भी साफ करती हैं ये उस टब से, तो ये बहुत ही ज़्यादा साफ रहती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर इनके बॉडी थोड़ी सी भी गंदी हो जाती है तो ये डेली अपनी क्लीनिंग खुद से करती हैं, खुद करती हैं ये डेली अपनी क्लीनिंग, ग्रूमिंग करती हैं। ओके, उसके बाद में ये अपने पंजे भी साफ करती हैं। अगर इनके बेबी हो जाते हैं तो ये बेबी की भी क्लीनिंग खुद करती हैं उनको मिल्क फीडिंग कराते वक्त। तो बड़े ही आराम से कोई भी किटन पाल सकता है, बस आपको क्या उनके खाने का ध्यान रखना है। मिल्क नहीं देना है आपको, ये घर वाला जो मिल्क होता है गाय भैंस का, ये बिल्कुल भी नहीं देना है अपनी किटन को, क्योंकि उसमें लैक्टोज बहुत हाई मात्रा में होता है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि लैक्टोज इनके लिए वेरी हार्मफुल। ओके, और आपको करना क्या है, आपको किटन्स को रॉयल कैनन देना है या फिर इस तरीके का खाना देना है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पानी देना है। आप मार्केट से इनकी चॉकलेट्स आती हैं वो आप दे सकते हो, ये आराम से और बहुत पसंद करती हैं। मार्केट से ना इनकी बहुत तरीके की कह सकते हैं चॉकलेट आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, और जेली भी आती हैं, मतलब कह सकते हैं नॉनवेज वाली जेली आती हैं वो भी खिला सकते हो। पैकेट्स आते हैं जेली के, मछली उसमें भरी हुई होती हैं अलग अलग तरीके की, तो ये सब चीज़ें इनको बड़ी पसंद होती हैं। दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, छाछ इनको, छाछ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, दही खा लेते हैं ये लोग। और जब आप खाना खाएंगे, अगर आप चावल खाते हैं उबला बना हुआ चावल, दाल चावल, तो खाली ये चावल खा लेती हैं, थोड़ा थोड़ा सा चावल। मीठा आपको बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि मीठे से इनको खुजली हो जाती है। तो किटन्स रखना बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं महंगा है, क्योंकि आपको इनकी हर देखभाल करनी पड़ेगी, खाना टाइम से टाइम देना होगा। मतलब मेरा खाना तो मेरी किटन्स के लिए रखा ही रहता है, मैं बाउल कभी कभी हटाती हूँ, जब हमारा डॉग रूम में आ जाता है तो वो इनका खाना खा जाता है, तो इसलिए हम इनका खाना हटा देते हैं उस वक्त के लिए। बाकी टाइम इनका ऑल टाइम इनकी टेबल पे खाना रखा रहता है, पानी और खाना। ये कभी ना, मतलब इधर से आएंगी गिन्नी उधर से आएंगी, मेरी किटन्स खाती ही रहती हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना इनको भूख कब लग रही है। अगर मैं इनको टाइम से खाना दूँ या कह दूँ कि 3 ही बार खाना दूंगी तो ऐसा ठीक नहीं है। इनको जब मन करता है ये 2-3 दाने खा लेती हैं अपने आप से और फिर बैठ जाती हैं और सो जाती हैं। बड़े ही प्यार करती हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना तो आपके पास आ जाते हैं, तो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा अगर आप किटन पालते हैं तो। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किटन्स के बारे में। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रेड बटन को ना ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।